मतलब अभी आपको पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि वो जो लोग जाग रहे हैं राजनीति वाले धर्म को लेकर, उनका उद्देश्य सही है या नहीं? मैं 100% नहीं कह सकती, हाँ। लेकिन जहां है, जैसे अगर आज छत्तीसगढ़ में हम बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के जो फिलहाल के प्रेजेंट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कई बार मेरा उनसे मिलना हुआ। अच्छा। तो मैं जब प्रोग्राम में आए तो मैं गाय से बहुत प्रेम करती हूँ, एक पशुओं से बहुत प्रेम करती हूँ। जब भी मिलना होता है वो हमेशा बात करते गायों के लिए, हम गायों के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम आपके क्षेत्र में गायों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अगर कोई एक राजनीतिक व्यक्ति अगर इस कार्य में इंटरेस्ट ले रहा है तो मैं कैसे उसको बोल दूं कि नहीं ये व्यक्ति गलत है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और भी ये मैंने यहाँ का इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। नहीं, आपने अच्छा किया क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और इसलिए यहीं का उदाहरण दिया जाना चाहिए। जी, यहाँ मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जिस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो वाकई में, जिस बात का जिक्र आप पहले कह रही थी ना कि साहब धर्म और राजनीति एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर आगे बढ़े तो समाज आगे बढ़ सकता है, जिस तरीके से गोबर खरीदना हो या गौमूत्र खरीदने वाली जितनी योजनाएं ये सरकार चला रही है, इससे एक सकारात्मक संदेश समाज में जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता ना उसका जिम्मेदारी ये बनती है कि उसकी जो प्रजा है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कथा में बात कहती हूँ, एक राज्य तब मजबूत होता है जब उसकी न्याय व्यवस्था अच्छी हो, जस्टिस। अब जस्टिस में जब बात आती है ना, हम हमेशा कह देते हैं कि इंसान, हम इंसानों की जस्टिस की हमेशा बात कर देते, ह्यूमन राइट्स। लेकिन राज्य में सब, चाहे वो छोटा सा प्राणी भी क्यों ना हो, कुत्ता बिल्ली भी क्यों ना हो, उसको भी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी। राम जी क्या सिखाते, राम जी के जीवन में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने एक धोबी से लेकर के, एक केवट से लेकर के सुग्रीव, बाली, राजाओं तक का भी ध्यान रखा, तभी तो राम राज्य है। राम राज्य कैसे बनता है? राम राज्य केवल इंसान नहीं, सब, यहाँ जितने भी प्राणी, किसी भी जाति के रहते हो, किसी भी संप्रदाय के रहते हो, हर एक व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार मिलना, वो एक राजनीतिक होने का मेरी नजर में, मेरी दृष्टिकोण में एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।